तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल सीओसी टेक्निकल में। तो दोस्तों आज का कंसेप्ट बहुत ही इजी है, मतलब जो हमारे यहाँ कंपेनियन आया था अपडेट में उसको बाद में कुछ फीचर्स नॉट अवेलेबल ऐसा दिखाई दिया, पर दोस्तों आज इस वीडियो की मदद से उससे तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पर एक गेम के लिए तो आप अपने कंधे पे लेकर उस कबूतर को कुछ वो पक्षी को लेकर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है दो जगह, वहाँ पे हमको मिलेगा। अगर आपको पता है तो पहले कमेंट बॉक्स में बता देना, तो आपको पता नहीं है तो दो जगह तो यहाँ पे मैं बता देता। तो पहले यहाँ पे मिलिट्री बेस के ऊपर एक छोटा सा घर है और उसके नीचे यहाँ पे एक पेड़ है, पेड़ नहीं टावर है। तो टावर को यहाँ पे खंभे है वहाँ पे आप ढूंढ लो तो वहाँ पे आपको कहीं पे तो मिल जाएगा। स्टार्टिंग को नहीं दिखाई दे, दूर से तो नहीं दिखाई देता है, अगर आप पास जाते तो ही आपको ये दिखाई देगा। तो इसको करने हैं हैच, और पहले एक डिटेल क्लियर अब उन्होंने क्लियर दिया है कि सिर्फ आपको और आपके टीममेट को दिखाई देगा और आपके एनिमी को दिखाई नहीं देगा। तो इस कंसेप्ट को क्लियर तो हो गया होगा आपको, तो उसकी मदद से आप मतलब पकड़े तो नहीं जाएंगे कहाँ पे आप लोकेशन। तो ये देखो यहाँ पे एक से बहुत अच्छा है, तो ये मेरी कंधे पे आकर बैठ गया है और मैं थोड़ा सा अच्छा सा एक एंगल लगा के आपको दिखाई दे रहा हूँ कि कितना बढ़िया लगता है, क्योंकि हम तो पीछे से ही देखते हैं, आगे से तो हमारे फ्रेंड्स और एनिमी देख सकते, तो बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो एनिमी को तो ये दिखाई नहीं दे रहा, तो कोई बात नहीं। तो हम चाहते सेकंड जगह पे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली छलांग मारने वाला हूँ मिलिट्री बेस की ओर। तो चलिए देखते मिलिट्री बेस की ओर जाते हैं क्या। ओ नहीं होगा, नहीं होगा, ओ एक गया। चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आप दिखाई देते हो तो कंपेनियन पर यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो आपको यही दिखाई देगा कि फीचर नॉट अवेलेबल एट, मतलब अब तक तो ये फीचर नहीं आया। तो हमारे गार्डियन ऑफ द नॉर्थ सेट यहाँ पे पहनकर हम चलेंगे फिर से एक मैच में। तो ये देखो ये पीछे से गया था, वो तो नहीं था हमारा कंपेनियन। तो यहाँ पे जोन यहाँ पे पूरी ऑपोजिट साइड पे आया और मुझे एक पिस्तौल मिली, तो उसके साथ टाइम पास करते समय कब समय चला गया पता नहीं चला। तो उसके बाद में आया यहाँ पे मतलब स्कॉर्पियन, नई पिस्तौल आई है स्कॉर्पियन। आपने वीडियो बनाई है, मैंने वीडियो देख ली ना, और उस पर मैं कंपेरिजन डालने वाला हूँ P18 से अच्छा है कि स्कॉर्पियन। तो यहाँ पे देखते हैं, तो पहले यहाँ पे बहुत सारा राड़ा हो चुका है, बहुत सारे एनिमीज के यहाँ पे क्रेट्स पड़ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हमें तो सिर्फ उस कंपेनियन से ही मतलब है, तो हम जाएंगे कंपेनियंस ढूंढने के लिए। तो level 3 का बैग यहाँ पे मुझे मिल गया, बहुत बढ़िया है ना। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे लीग को तो कोई है नहीं है, मैं डियो खेल रहा था क्योंकि डियो में मेरी रैंकिंग तो अच्छी नहीं है। इसमें इस था, इसमें इस नहीं था, स्क्वाड में इस था, कोई बात नहीं। पूरा KD रेशो का अवार्ड लगा दिया उसके बारे में, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपली ऊपर जाना है, यहाँ से मिल्टा पावर की बेटिंग है भाई, आपको पता नहीं होगा तो बता देता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा पहले से मिल्टा पावर की बेटिंग है, कोई बात नहीं क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे आपको इस कॉर्नर में आना है, तो ये देखो डायरेक्ट से प्रकट हो जाता है, तो पहले तो नहीं आता है। तो अगर आप पास में जाएंगे तब आपको आएगा, तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा हैच का, आपको हैच करना है। तो ये दोस्तों ये कबूतर है, ये जो पक्षी है वो आपको साथ सिर्फ एक ही गेम में रहेगा। अगर आपको फिर से चाहिए तो फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, उसको हैच करके उससे ले जाना पड़ेगा। तो आप मुझे नहीं लगता कि हर बार यहाँ पे आ जाएंगे इस दो प्लेस पे। अगर दोस्तों आपको पसंद आई हो तो वीडियो पहले से लाइक कर देना दोस्तों, प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों क्या आपको और कोई जगह पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो यहाँ पे मैं नई वीडियो बनाऊंगा या फिर वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, कोई बात नहीं। और प्लीज़ सबके साथ शेयर कर देना दोस्तों इस वीडियो को। और यहाँ पे हम जाएंगे आप कहाँ पे, तो जोन में जाएंगे क्योंकि मेरी हेल्थ तो बहुत कम है, मैंने यहाँ पे नहीं किया है। तो यहाँ पे आपको फ्रेम दिखाई देगा, तो ये फिर से हमारी हेल्थ कम हो चुके हैं, तो आपको पता चलेगा कि मेरी हेल्थ कितनी है। तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पास के लिए मैं यहाँ पे आया था आपको दिखाने के लिए, और देखते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ पे जोन में जाएगी या नहीं जाएगी, पता तो नहीं, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि हम किसी से टकरा गए तो हमारी हेल्थ इतनी कम हो जाएगी, हम डायरेक्टली नॉक हो जाएंगे। तो आपको एक ग्लिच दिखाना था, इसके लिए मैंने यहाँ पे आया हूँ। तो चले देखते हैं, फुल स्पीड में यहाँ पे हम जाएंगे, स्पीड बूस्ट कर दिया है मैंने, देखते हैं जोन में जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ को टकराने वाली थी पर नहीं टकराई, तो इस सामने वाले पेड़ को ज़रूर टकराने वाला हूँ मैं। तो देखते दोस्तों, बूम, ये देखो बूम हो गया। तो कितनी हेल्थी, तो ये मुझे पता नहीं है पक्षी यहाँ पे अंदर कहाँ चला गया इस गाड़ी के। तो दोस्तों एक ग्लिच था, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ यार प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक रुकता हूँ, फिर जल्दी आऊँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।